आवामे मुल्क हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के, नौजवानों के और सभी लोगों के, मेल फीमेल सभी लोगों के जो पेट में वर्म हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उनको बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग खत्म कर सकते हैं, और ऐसी दवाओं से जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, नो साइड इफेक्ट। वो आपको इस्तेमाल करने हैं करीब कम से कम रेगुलर एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम के। आप अगर इसको खाते हैं तो आपके पेट के कीड़े पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे और आपकी सेहत बनने लगेगी। पेट के कीड़ों की पहचान यह है कि अगर से कोई भी बच्चा, बच्ची, लड़का, लड़की, आदमी, औरत सोते में अगर वो दांत किटकिटाता है तो ये मान के चलिए कि उसके पेट में कीड़ा है। अगर कोई भी सोते में उसके मुंह से लार निकलती है, लार अगर उसके मुंह से सोते में निकलती है तो ये मान लीजिएगा कि उसके पेट में कीड़े हैं, क्योंकि कीड़े हजारों मर्जों को जन्म देते हैं जो हमारे पेट में कीड़ा पिटार वगैरह हो जाती है। अगर बच्चा अगर रात में सोते वक्त किटकिटाता है तो कीड़े हैं, पेट के बल लेटता है तो कीड़े हैं, और रात में सोते सोते चौंक जाता है तो कीड़े हैं। सोते में ये लगता है कि नीचे हमारा शरीर गिर गया, लेकिन वो असल में नीचे नहीं गिरता है, उसको ये लगता है। तो कीड़े जानलेवा भी होते हैं। बहुत से लोग रात में, बच्चों को मैंने देखा है, लोगों ने बताया है, मैंने नहीं देखा है, कि एक बंदे के फला के बच्चा था, वो सो गया और सोने के बाद रात में उसकी नाक से कीड़े आए और एक कीड़ा इतना बड़ा था कि नाक में फंस गया, हलक से होते हुए तो उसका दम घुटकर मर गया। ये कीड़ों को साधारण मत लीजिए। कीड़ा कोई भी हो, खतरनाक होता है, चाहे ये वाला कीड़ा हो, चाहे ये वाला पेट वाला कीड़ा हो। तो पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं एक नुस्खा, बहुत ही बेहतरीन है, जिसको इस्तेमाल करने से आपके पेट में कीड़े नहीं होंगे। पहली बात तो यह है कि अगर पेट में कीड़े हैं आपके, तो आप मिठाई खाएंगे नहीं, मिठाई से ही उत्पन्न होते हैं ये कीड़े। लेकिन जब ये दवा खाएंगे तो भी मिठाई नहीं खाएंगे, क्योंकि एलोपैथी दवा जो है एल्बिंडाजोल, वो जब खिलाई जाती है तो उसमें जो है मिठाई खिलाकर खिलाया जाता है, और तत्काल कीड़े का मुंह उसने यूं किया और एल्बिंडाजोल उसके गया और कीड़ा खलास, लेकिन वो फिर कीड़ा हो जाता है। और ये जो मैं आपको दवाई बताने जा रहा हूं, इसमें आपको दोबारा पेट में कीड़े नहीं होने का। बहुत से लोग एल्बिंडाजोल, जेंटल, मेबिंडाजोल ये भी खाते हैं, क्योंकि मैं एलोपैथी की प्रैक्टिस भी करता रहा हूं और मैंने काफी दिनों से एलोपैथी प्रैक्टिस छोड़ दी है, इसलिए मैं आपको एलोपैथी की दवाई खाने के लिए कोई एडवाइस नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर पेट में कीड़े हैं तो आपको क्या लेना है, सुबह नहर मुंह कलौंजी का तेल एक चम्मच, सुबह नहर मुंह आपको कलौंजी का तेल एक चम्मच ले लेना है, और एक घंटे के बाद जो भी खाना है आप खाइए, और शाम को सोते वक्त भी आपको कलौंजी का तेल एक चम्मच लेना है, और आप इस तरीके से कुछ ही दिनों में पेट के खतरनाक कीड़ों से निजात पा जाएंगे। खाने के लिए आपको क्या करना है कि ज्यादातर टमाटर को काट करके उसमें नमक भर दीजिएगा और आप उसको खा लीजिएगा। ये भी बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, टमाटर को काट कर खा, नमक मिला करके डायरेक्टली खा जाइएगा, तो इससे भी आपके पेट के वर्म कृमि
खत्म होते हैं। दोस्तों इसकी और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा इंद्रायण। इंद्रायण एक बहुत ही कड़वी दवा होती है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। अगर किसी के पेट में कीड़ा है तो इंद्रायण की जड़ का चूर्ण 3 से 4 ग्राम सुबह नहार मुंह पानी के ताजे पानी के साथ ले ले, और उस जब वो इंद्रायण की जड़ लेगा, अगर ये दोनों उसके कलौंजी के तेल उसको नहीं खाना है या टमाटर नहीं खाना, तो इंद्रायण की जड़ जब वो लेगा तो पहले खाने इंद्रायण की जड़ को खाने से पहले उसको करना क्या है कि थोड़ा सारा गुड़, आधे घंटे पहले गुड़ या शक्कर या कोई भी मीठी चीज खा ले, उसके बाद वो इंद्रायण की जड़ का 3 से 4 ग्राम चूर्ण पानी में फंकी लगाकर पी जाए। बहुत ही अच्छा नुस्खा है ये, बहुत ही बेहतर नुस्खा है ये पेट की कीड़ों को खत्म करने के लिए, और बहुत ही कड़वी होती है इंद्रायण, बहुत ही ज्यादा कड़वी होती है इंद्रायण। तो आपको क्या करना है कि 1000-1000 mg वाले कैप्सूल खाली ले लेने हैं, उसको में जो दवा हो अगर आपको ना मिले तो कोई दवा वाले भी मिल जाए तो उसको 2 कैप्सूल उसमें भर लीजिए, 2 शाम के खा लीजिए नहार मुंह गुड़ खाने के बाद। जो भी खाइएगा, अगर इंद्रायण आप गुड़ खाकर खाएंगे, मीठा खाकर, और शाम को भी आपको सोते वक्त, जब आप शाम के सोने की शुरुआत, मन के चलो हमें सोना, आप सोने जा रहे हैं तो सोने से आधा घंटा पहले आप गुड़ खा लीजिएगा, और चारपाई पे जब लेट रहे हैं उसके बाद 2 कैप्सूल इंद्रायण वाले, चाहो तो आप ऐसे इंद्रायण के कैप्सूल फंकी लगा सकते हो, और अगर आप ऐसे नहीं लगा रहे हो फंकी तो आप 2 कैप्सूल वही इंद्रायण वाले मुंह में डालकर पानी पी लीजिएगा। तो इससे आपके पेट के कीड़े तो समाप्त होंगे ही होंगे इंद्रायण की जड़ से, इसके साथ में आपको बहुत सारी बीमारियां, जैसे चर्म रोग है, दांत खाज खुजली है, ये सारी बीमारियों से भी आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। इंद्रायण बहुत ही कड़वा होता है, इसका सेवन जो है आप डायरेक्टली आप केवल 10 दिन ही करेंगे, और फिर उसके बाद अगर आपको ये लगे कि फिर हमारे पेट में कि कीड़े अभी कुछ बाकी रह गए हैं, तो 1 हफ्ता छोड़ करके फिर आपको 10 दिन उसको शुरू करना खाना, उसके बाद फिर आपको 1 हफ्ता छोड़ करके फिर 10 दिन शुरू करना है, इंशाल्लाह ताला आपके पेट में कीड़ा, एक भी कीड़ा आपके पेट में मौजूद नहीं रहेगा। ये देशी नुस्खा है, आयुर्वेदिक नुस्खा है, जड़ी बूटी का नुस्खा है, नेचुरल नुस्खा है। तो दोस्तों आप इसका जरूर उपयोग कीजिए। और एक बात और है कि अगर से आपको कब्ज रहता है, कीड़ों जिसके पास कीड़े होंगे उसको कब्ज जरूर रहेगा, तो आपको अगर कब्ज रहता है तो आपको करना यह है कि हर बहेड़ा आंवला ये तीनों को आप संभाग ले लें, या कि संभाग न लें, कभी कभी संभाग ठीक नहीं रहता, तो आपको हर लेना 50 ग्राम, बहरा लेना 50 ग्राम और औला 25 ग्राम, ये इसका सही सा डोज है, लेकिन उसमें नमक नहीं डालिएगा क्योंकि टेस्ट के लिए नहीं खा रहा है, बिना नमक का खाएंगे तो उसका अलग फायदा है और नमक में खाएंगे तो मजेदार नहीं है। तो ये जो आप जो है हर बहरा औला ये तीनों ले लें, इसमें से क्या करना है आपको कि हर लेना है 50 ग्राम, बहरा लेना है 50 ग्राम और औला लेना 25 ग्राम। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि छोटी हर 25 ग्राम बड़ी हर 25 ग्राम, ये 50 ग्राम हो गई, बहरा 50 ग्राम औला 25 ग्राम, ये भी बहुत अच्छा बनेगा और वो भी बहुत अच्छा बनेगा। एक कहावत है कि हर बहरा औला जो घी शक्कर से खाए, याद नहीं आ रहा, खैर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और देखते रहिए ZRZ यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।